हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे बच्चे बिहार बोर्ड क्लास टेंथ या ट्वेल्थ में हैं, अगर 2023 में अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं फाइनली, चाहे आप मैट्रिक में हो चाहे आप क्लास ट्वेल्थ में हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरे बच्चों, इस वीडियो में एग्ज़ाम फॉर्म डेट आ गया है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ भरना है, कहाँ फिलअप करना है, और फॉर्म भरने में कितना पैसा लग रहा है, और डॉक्यूमेंट को कहाँ जमा करना है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगती है एग्ज़ाम फॉर्म भराने के लिए, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, ऊपर में लिखा गया है इंटर फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए इंटर फॉर्म 2023, इंटर बारहवीं फॉर्म अप्लाई करने की तारीख। तो मेरे बच्चों देखिए, आप लोग का जो है ना, अगर आप कला में है यानी आर्ट्स में है, या विज्ञान साइंस में है, या वाणिज्य कॉमर्स है, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म जो है ना, डेट जो है 15 से 25 तक के हो गया है, यानी कि 15 से 25 तारीख तक के अप्लाई कर सकते हैं। गाइस मेरे बच्चों, अप्लाई कहाँ करना है, देखिए ऑफलाइन आपको जाना है, जहाँ पर आपका एडमिशन है वहाँ पर जाना है। अब सारी जानकारी अभी देंगे, पहले अब देख लीजिए, अब मैट्रिक वाले देख लीजिए, और मैट्रिक वाले देख लीजिए, आप लोग का भी है मैट्रिक दसवीं फॉर्म 2023 के लिए। देखिए दिनांक, मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तारीख को जमा करने के लिए फॉर्म भरने की तारीख 15 से 25 तक है मेरे बच्चों। आप लोग का भी जो है ना 15 से 25 तक के डेट है, यानी कि 15 सितंबर से, यानी कि परसों से ही स्टार्ट है। तो आप अपने कॉलेज या स्कूल में जाएंगे, वहां पर डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको पैसा देना है। तो पैसा कितना लग रहा है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर समझ लीजिए पूरा बायोडाटा, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथि 2023 फॉर्म अप्लाई का, देखिए परीक्षा बीएससीबी जो है ना, बिहार बोर्ड के लिए 2023 के लिए है। दसवीं फॉर्म आवेदन की तिथि है, देखिए 15 से 25 सितंबर तक, और बारहवीं का जो है इसका भी है 15 से 25 सितंबर तक। जी हाँ मेरे साथियों, मेरे बच्चों, अब आपको पैसा कितना लग रहा है मैट्रिक वालों के लिए, देखिए मैट्रिक वालों के लिए आपको जनरल जो है उसका 980 रुपया लग रहा है, और बाकी ओबीसी, ईबीसी, बीसीवन जो भी है 865 रुपया लग रहा है। हो सकता है आपको स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्कूल वाले कुछ अलग ले, ठीक है, लेकिन फ़ी जो है आप लोग बढ़ा करके ही ले जाना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए, देखिए कितना पैसा लग रहा है। यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ वालों के देखिए इंटर लागू शुल्क जो है 1400 रुपया लग रहा है, जो भी ईबीसी, बीसीवन, बीसीटू ये सब जो भी है उसको 1400 रुपया लग रहा है, और ओबीसी वालों के लिए जो जनरल के लिए भी उतना ही है, 14 सही है, और जो कंपार्टमेंट है, जो फेल हो गए थे दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको छूट है, ठीक है, 930 रुपया लग रहा है, 930 रुपया लग रहा है, ओनली 930। अब आइए बात कर लेते हैं कि पैसा तो लग गया, ठीक है, पैसा कितना लगेगा ये तो पता हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं ये जान लीजिए। देखिए डॉक्यूमेंट्स, आप मूल प्रमाण पत्र यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप का फोटोकॉपी चलेगा, उसके बाद फोटो लगेगा, दो फोटो, ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगेगा, तो ये सभी लगेगा, ठीक है। क्या क्या लगेगा आप ले जाना, आप यानी पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसके बाद फ़ोटो, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। अब ये सब कहाँ ले जाना है, तो अपने स्कूल में ही जाना है, अपने स्कूल में ही जाना है, ठीक है, स्कूल या आपका कॉलेज है एडमिशन, ठीक है, तो कॉलेज में ही जाना है, स्कूल या कॉलेज में जाना है, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा आपको स्कूल या कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ पर सारी डिटेल्स भरना है, और फोटोकॉपी ये सब जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको फोटोकॉपी देना है, स्कूल में या कॉलेज में जमा कर देना है। तो इस तरह से आप लोग का जो है ना एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। और एक बात और मेरे बच्चों, आप लोग का जो है ना मैट्रिक का सेंटअप परीक्षा 15 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, 15 नवंबर से स्टार्ट हो गई है, और ये क्लास ट्वेल्थ का, टेंथ का जो है ना सेंटअप परीक्षा जो है 15 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और ट्वेल्थ का जो है सेंटअप परीक्षा 11 अक्टूबर से, जी हाँ 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग एकदम तैयारी में जुड़ जाओ मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ और सारी जानकारी इस चैनल पे देता रहता हूँ, क्लास 8 से लेकर के और BA BSc BCom तक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।